मिलते हैं यहाँ हम लोग सोनपुर डायट में उपस्थित हैं। यहाँ के प्राचार्य से हम लोग मिलेंगे, बातचीत करेंगे। सर, अभी आपके यहाँ ट्रेनिंग चल रहा है दक्षता का, किन किन टीचर्स का ट्रेनिंग चल रहा है सर? दक्षता परीक्षा में वास्तव में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में बिहार सरकार के द्वारा जो 3 बार दक्षता परीक्षा अनुत्तीर्ण शिक्षक या शिक्षिका हैं, उसमें 3 प्रकार के शिक्षक हैं, एक उर्दू शिक्षक, एक सामान्य शिक्षक और तीसरा शारीरिक शिक्षक। इन लोगों के लिए हमारे यहाँ शनिवार और रविवार प्रशिक्षण की व्यवस्था चल रही है। ये सारा हमारे प्राथमिक निदेशक रवि प्रकाश सर का पत्र है, उसके आलोक में यहाँ पर सारा प्रशिक्षण चल रहा है। और भी रिट जो दाखिल किया गया और रवि प्रकाश जी का जो लेटर निकला, वो 3-4 बार लेटर निकला कि जो लोग भी वंचित हैं दक्षता परीक्षा से, वो सबको शामिल होना है, तो उन सारे शिक्षकों को शामिल किया जा रहा है क्या? पत्र से, पत्र का जब समीक्षा किया गया तो उसे पता चलता है कि जो 3 बार दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण है सिर्फ उन लोगों को ही शामिल होना चाहिए। लेकिन कई पत्र जो स्थानीय पदाधिकारी जैसे कि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी या जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के पत्र के आलोक में हम लोगों ने जिन लोगों को सहूलियत है आके वो रविवार और शनिवार और रविवार को आके वो प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं और हमारे यहाँ उसके लिए बड़ी उचित व्यवस्था चल रही है और हम लोग सबको शुभकामना देते हैं कि सब लोग अच्छे से पढ़ें और फिर अगली बार दक्षता। कुछ ऐसे भी शिक्षक हैं जो दक्षता परीक्षा देने से भाग रहे हैं, तो उनके लिए सर क्या कहेंगे? नहीं, चूंकि दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण करना सभी शिक्षकों के लिए आवश्यक है, ये नियम के आलोक में, और शिक्षक वास्तव में वही है जो लगातार अपना परिष्करण करता रहे, अपना समुन्नयन करता रहे। ऐसी स्थिति में भागने की कोई बात ही नहीं है, थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है, थोड़ा सा अभ्यास की ज़रूरत है और निश्चित रूप से वो दक्षता परीक्षा देंगे और उत्तीर्ण होंगे, निश्चित रूप से उनका कल्याण होगा। सभी लोगों को परीक्षा देने का काम करना चाहिए। मतलब कुशल विद्यार्थी ही कुशल शिक्षक है। एकदम निश्चित रूप से अध्यापक का मतलब ही है कि आप जब तक अध्ययन नहीं करते हैं तो आप अध्यापक नहीं हैं, तो आप अध्ययन कीजिए, अध्यापन कीजिए और इस तरह का जो भी विभागीय जो नियम है उसके अनुसार परीक्षा दीजिए और जीवन में आगे बढ़िए। निश्चित रूप से अपना परिचय दे दीजिए सर। जी, मेरा नाम अभय कुमार सिंह, हम डायट सोनपुर सारण में प्राचार्य के पद पर कार्यरत हैं। थैंक यू सर।